सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि टुडे इज योर लास्ट उर्दू क्लास एंड टुमारो आई विल टेक योर हिंदी क्लास एंड फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी डिसकंटिन्यू. Okay, and from 4th of Jan, why? 21, we will start again on classes, but they will be your revision classes. We will not take any new class, we will take your revision and to prepare for your midterm exams in these vacations. And when you will come back, we will take... मैं समझ गया है क्लासेस क्यों नहीं होंगी? इसलिए नहीं होगी कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है. ओके 25 दिसंबर से. हाँ तो वो मिलेगा हमें. हाँ वो आपको एक तो वैसे ही सिलेबस मिल चुका था लेकिन अभी नहीं है तो फिर आपने सिलेबस स्कूल से ले लें एग्जामिनेशन. ठीक है वो जो मिलता है वो असाइनमेंट वो विंटर वेकेशन की जो एक बुक मिल गई मुझे बोल ले लो. विंटर वेकेशन की जो बुक मिलेगी स्कूल से मिल रही है वो हमें लेनी होगी. वो नहीं मिलेगी. मिस मैंने खरीद ली. एग्जाम की तैयारी करनी है आपको. मैंने खरीद ली. और जब आप वापस आएंगे हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे मगर नई क्लासेस पढ़ाई नहीं करेंगे उसमें बल्कि आपकी तैयारी करवाएंगे. पीछे का करेंगे ना. पीछे का पीछे होगा. पीछे का कब से होंगी वो टीचर कब से खत्म होंगी? 4 जनवरी 2021. ठीक है मिस. उसके बाद स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह. फिर आप लोग स्कूल आ जाएंगे तो फिर तो स्कूल में एग्जाम होंगे. मिस बात सुने. बोले कौन सी बुक खरीदनी होगी हमें समर वेकेशन के लिए? बेटे नहीं खरीदनी है. समर वेकेशन नहीं खरीदनी है. समर वेकेशन की बुक स्कूल से मिलेगी. स्कूल में लेनी होगी हमें. हाँ अगर नहीं ली थी तो फिर लेनी होगी. अगर पहले से नहीं ली है नहीं किया तो वो लेनी होगी. और अगर ली भी थी और नहीं ली पहले सही है. इस वो वाली बुक तो 100 मार्क्स की होती है. हाँ हाँ वो 100 मार्क्स होते हैं उसके. हाँ मेरे पास था. उसी दिन खरीदी थी जब मैं आया था. खरीद लिया मैंने. फिर आपको दोबारा नहीं लेनी. बस वही है. ठीक है. अच्छा अब आप मेहरतबान है उर्दू की बुक निकाले उसका पेज नंबर 74 खोले. वन मिनट. हाँ वेटिंग. पेज नंबर 74. ओके अब सुने. ये लिखा है अलिफ दर्जा ज़ेल अल्फ़ाज़ की मदद से जुमलों को मिलाकर लिखिए और वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन के मगर तो क्योंकि तो. अब ये दो दो जुमले बीच में डैश लगा हुआ है. इन दोनों जुमलों को ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाओ. अब जैसे पहला जुमला लिखा है इसने कहा मैंने तुम्हें पेज नंबर दिया है पेज नंबर 74. उसने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है. तो इस दो जुमलों को एक जुमला करने के लिए हमने लिखना है उसने कहा के ऊपर लिखा हुआ है. देखिए फिर से लिखें. अभी दूसरे आप बीच में लगाते हैं इनके और जब आप मुझे चेक करने के लिए नोटबुक भेजेंगे अपना सारे असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दें. हो सके तो आज ही कर दें. नहीं हो सके तो कल तो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि परसों से फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो थर्सडे क्लास विल बी सस्पेंडेड. ओके तो आप जो है वो करवा दीजिएगा. आज अगर अपने सारे असाइनमेंट सबमिट करा देंगे आप. ठीक है मैं आपको बता रही हूँ अभी असाइनमेंट 11. ओके
ठीक है, अब ये जो के वर्ड है ना, के जहाँ पे डैश लगा हुआ है जुमले के, बस उसके ऊपर पेंसिल से फिलहाल लिखें, बाद में आपने जो है वो पेन से लिखना है, ये जो खाली जो है ना कॉलम, इसमें आपने लिखना है इसके सामने दोबारा से जुमला के लगा के। टीचर पेज नंबर 74। हाँ 74, अभी के लिखते हैं खाली। वो आज भी हमें आ गए इतने दिन के बाद, जब आखिरी क्लास हो रही है उर्दू की। टीचर टीचर बोले क्या कह रहे हैं? क्या असाइनमेंट 11? हाँ हाँ असाइनमेंट 11, और उसके अलावा वर्तमान वगैरह का और जो सिंधी में काम है कुछ भी, सब कुछ आपने सबमिट कर देना है। अगर बारिश किया तो करते तो चेक हो जाएगा, आपको वापस भी मिल जाएगा ना फिर, नहीं तो बिना वजह पड़ी रहेगी चेक करने, फिर तो हमने रिवीजन स्टार्ट करना है बोर्ड से, और आप याद तो भी, याद भी तो करना होगा ना आपको, चेक होगा तो सही से याद होगा, अनचेक फिर गलत सलत याद कर लेंगे आप। चलिए अच्छा, पहला जुमला हो गया सबका। अच्छा दूसरा है, तो सेवन ट्वेल्व तो नहीं मिलेगा ना? नहीं ट्वेल्व नहीं, ट्वेल्व यही है कि आपने सिलेबस जो आपको मिला है या नहीं है तो आप स्कूल से ले लें, और उसको आपने याद करना है एग्जाम के लिए घर में बैठ के। नंबर टू है, वहां कुछ सुनाई नहीं देता था, वहां बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि मगर 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 नहीं क्योंकि वहां कुछ सुनाई नहीं देता था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ देख के लिख ले, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर देख के लिख ले, जिसको लिखना नहीं आता। टीचर जी, हिंदी की क्लास कौन कौन से दिन होती है? थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे। अच्छा दूसरा भी लिख लिया, नंबर तीसरा लिखे, उसने बहुत मेहनत की वो कामयाब, मगर वो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन लेकिन आएगा इसमें लेकिन, ठीक है। उसके बाद है लेकिन के बाद है नंबर फोर। क्योंकि क्योंकि वहां कुछ सुनाई नहीं देता था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा शोर था। पहले का क्या है? नंबर थ्री, पहले में के है, के उसने कहा कि मैंने तुम्हें सब कहा, पढ़ी है के आएगा के बाद। अच्छा फिर है नंबर थ्री, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब। टीचर चौथा वाला तो बता दे। चौथा है हामिद आ गया है, अकरम नहीं आया है, मगर हामिद आ गया है मगर अकरम नहीं आया है। नंबर फोर, हामिद आ गया है मगर अकरम नहीं आया है, मगर मगर अकरम नहीं आया है। बस फोर तो क्या है? फोर फाइव है, तुम अव्वल आते तो तुम्हें इनाम पाते, तुम अव्वल आते लेकिन तुम इनाम पाते। मैं पांचों जुमले बता दिए, अपने एक दोबारा से बोल रही हूँ, पांचों नंबर वन से लेके पांच तक जिसके नाम हुए हो वो लिखता चला जाए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। नंबर टू, वहां कुछ सुनाई नहीं देता था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा शोर था। नंबर थ्री, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। नंबर फोर, हामिद आ गया है मगर अकरम नहीं आया है। नंबर फाइव, तुम अव्वल आते तो तुम इनाम पाते। अब इसकी बे एक्सरसाइज पे आ जाइए, दर्जा ज़ेल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दो जुमले मिलाकर मुकम्मल कीजिए। अल्फाज है जो, जिसे, जिसने, जो ही किया। पहला जुमला, खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। इससे पहले लगेगा, ठीक है, पहले लगेगा, बीच में नहीं लगेगा,
जिसे खुदा चाहता है। टीचर फाइव वाले का, फोर वाले का क्या है? उसमें मगर है, मगर ठीक है। इसमें टीचर पहले वाले में जिसे खुदा चाहता है इसे बख्श देता है, बख्श देता है। इसमें शुरू में ही जिसे लग जाएगा, बीच में नहीं लगेगा, सही है? शुरू में ही। टीचर मुझे जो है ना टीचर वाले का बताइएगा, उसने बहुत मेहनत की। मिस पहले का क्या है? पहले का दो जुमले एक जुमला। पहले का तो मैंने आपको बता दिया ना कि जिसे खुदा चाहता है। टीचर तीसरे वाले का बताएं। टीचर तीसरे वाले का बताएं, पहला, पहले वाले का तीसरा बताएं। पहले वाले का तीसरे में था लेकिन, लेकिन उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, बे वाला जो है दूसरा वाला, उसमें पहला मैंने आपको बता दिया कि शुरू में ही जिसे लग जाएगा, जिसे खुदा चाहता है बन देता है। अच्छा दोबारा से सुन ले, कोई बच्चा पेंसिल से नर्दमान का काम करके मुझे नहीं भेजेगा अपनी नर्दमानी को। पेंसिल का काम मैं नहीं चेक करूंगी, मैं पेन का करूंगी, सही है? तो आपने पेन से लिख के मुझे जो है वो ये अपनी रद्दमान भेजनी है। और अभी मैं आपको सिर्फ, अभी आप टिक लगा सकते हैं या पेंसिल से और लिख सकते हैं, लेकिन आपने बाद में सही तरीके से करके इसको जो कॉलम खाली कॉलम है उसमें लिख कर पेन से भेजना है। अब दूसरा जुमला है बे, बे वाले सवाल का, दूसरे वाले का दूसरा जुमला बता रही। उस्ताद ने, उस्ताद ने जूही, उस्ताद ने जूही कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। उस्ताद ने जूही कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। और टीचर, टीचर नंबर नंबर चार के क्या पहले वाले पे? उसमें मकर है, मकर। मिस क्या चीज है? जूही, जूही, जूही ये देखो लिखा हुआ है ऊपर, देख ले जिसको जूही लिखना नहीं आता ना, ये ऊपर जो वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है उसमें देख ले जूही लिखा हुआ है सेकंड लास्ट नंबर पे। जूही जी, टीचर मुझे नहीं लिखा हुआ बता दे, पहला, पहला वाला चौथा बताया ना, मगर, मगर है वो पहले वाले के चौथे में मगर आएगा। ठीक है, हामिद आ गया है मगर अक्रम नहीं आया। ठीक है, जूही कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। और ये पांचवे का, पांचवे में आएगा तुम अव्वल आते तो तुम इनाम पाते, तो आएगा तो। और चौथे वाले का फिर से बताइएगा एक बार। अरे क्या हो गया है उस्मान? मगर है, मगर, मगर कितनी दफा मगर है उसमें, कर मगर से लिए मगर मत। अच्छा अब ये जो बे वाला है ना दूसरा वाला, उसके अब मैं तीसरा बता रही हूँ। उसमें आएगा जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इसमें भी जिसे आएगा। ठीक है, इसमें भी जिसे आएगा, जिसे दो दफा आ रहा है। हाँ, दो दफा आ रहा है क्योंकि जुमले भी तो छह है और अल्फाज पांच है, तो एक तो रिपीट होगा ही होगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बता रहे इसके भी शुरू में जिसे आएगा। दूसरे का क्या आएगा? दूसरे में जूही बताया ना मैंने, जूही, जूही ले जूही कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। ये अच्छा, उसके बाद नंबर थ्री मैंने बता दिया, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उसमें भी शुरू में आ जाएगा। टीचर चौथा वाले का, चौथा वाला है क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या तुम जाना चाहते हो? आएगा, आएगा उसमें, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या तुम जाना चाहते हो, क्या नहीं आएगा था? दूसरे वाले का पहला, दूसरे वाले का पहला शुरू में ही लग जाएगा, जिसे, जिसे खुदा चाहता है उसे बख्श देता है, जिसे। टीचर चौथे वाले का या, या क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या तुम जाना चाहते हो?
गया। पांचवे का? पांचवा है जिसने मेहनत की कामयाब हो गया। छठे वाले का शुरू में ही आ जाएगा, जिसने मेहनत की वो कामयाब हो गया। तीजे छठे वाले का? छठे वाले का है मेहनत कर, जो मेहनत करता है फल पाता है। और हो गए छे। अब आए दूसरे पेज नंबर 75 पे आ जाए। 75 की जीम एक्सरसाइज पे आ जाइए आप लोग। मुनासिब हर्फ रफ्त, मुनासिब हर्फ रफ्त की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। क्या हर्फ रफ्त माने? यही सारे जो अभी करवा रही हूँ, लेकिन मगर क्योंकि जिसे जिसने जुमी या वो, ये हर्फ रफ्त होते हैं। हर्फ रफ्त का मतलब ये होता है वो अल्फाज जो किसी दो जुमलों या दो अल्फाज का आपस में ताल्लुक जोड़े, यानी दो जुमलों या दो अल्फाज को मिला के एक बनाते। जूही कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। जूही जूही था पहले वाले का क्या है? हाँ जूही पहले वाले का क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इनसे बोलने के चुपके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रिक्वायर्ड हो जाए। मैंने आपको ये बताया है उस्मान, आप दूसरे वाले का नंबर टू पूछ रहे थे। मैंने आपको बताया उस्ताद ने जूही कमरे में कदम रखा, लड़के ठीक है। अच्छा अब ये वाले जीम पे है, लेकिन के अगर मगर जब तो क्योंकि क्योंकि जो लिहाजा जो कुछ जिसने जैसे जूही किया। इसका पहला वाला है वो एक छोटा सा लड़का था लेकिन यतीम था। वो एक छोटा सा लड़का था लेकिन यतीम था। लेकिन आएगा पहले, ठीक है? लेकिन दूसरे वाले में, दूसरा वाला है उसने बताया के वहां एक झील है। के उसने बताया के वहां एक झील है। पहले वाले को बताइएगा। पहले वाले में लेकिन था, लेकिन वो एक छोटा सा लड़का था लेकिन यतीम था। टीचर दूसरे वाले का क्या? ये कौन से वाले में? पेज नंबर 75 वाले में जी। अच्छा जी में एक्सरसाइज का पूछ रहे हैं ना जी। के उसने बताया कि वहां एक झील है। तीसरे वाले का? तीसरा है उसने दौड़ तो खूब लगाई मगर वो पहुंच न सका। मगर नंबर चौथे का? चौथा है वो जिम्मेदार था। टीचर तीसरे वाले का क्या है? मगर है। अच्छा नंबर फोर्थ है वाले का? वो जिम्मेदार था क्योंकि वो सबसे बड़ा था। क्योंकि क्यों ना? ये क्या है पांचवा वाले का? पांचवा सारा चूंकि चली गई थी लिहाजा सलीम नहीं गया था। क्योंकि लिहाजा नहीं आएगा तो सारा चूंकि चली गई थी सारा तो सलीम, मगर सलीम नहीं गया था, मगर आएगा सारा क्योंकि तो चली गई थी मगर अली नहीं गया था। सलीम है जी वो सलीम गया था। क्योंकि चली गई थी सलीम के पास
तो फिर चली गई थी, फिर क्या आएगा? आएगा मगर सलीम नहीं गया था, दूसरे डैश में मगर आएगा। बादल छाए जाते हैं, बारिश देखो, बादल छा जाते हैं तो बारिश होती है। तो तो साथ वाले का मैं अच्छा नंबर सेट है टीचर, नंबर सिक्स का जब तो आएगा जब तो नमस्ते में नहीं, बादल छा जाते हैं तो बारिश होती है, तो आएगा खाली तो है ही नहीं, तो है ही नहीं। अब तो नहीं है इसमें, जब तो है, जब तो है गलत कह रहे हो, तो क्यों नहीं लिखा है, तो होना चाहिए था, तो आना चाहिए, चले आप तो ही लिखते थे। तो लिखे या तो तब होता या फिर जो जब तो सही लगा। अच्छा ठीक नंबर टीचर सेवन काट दे, सातवें वाले का सातवां है, मैं बहुत मसरूफ हूँ लिहाजा तुम तो खाना खा लेना, लिहाजा लिहाजा लिखना, अगर ना आता हो तो ऊपर से देख लिखा हुआ है, जो वर्ड लिस्ट है वर्ड बैंक में सातवें देखिए। वाले का ये वही शख्स है जो मेरे कल घर आया था। हाँ ये नंबर 8 है, ये वही शख्स है जो कल घर आया था, जो कल आया था, जो जो आएगा इसमें। नवे वाले का होगा जो चाहे, नवा होगा जो चाहे नवाजे, नहीं खुदा जो खुदा चाहे जिसे, जिसे जिसे चाहे नवाजे, खुदा जो खुदा जिसे चाहे नवाजे या जैसे चाहे नवाजे, जिसे लिखा हुआ नहीं है उसमें, जैसे लिखा है जैसे, तुम रुक खुदा जाओ। जैसे चाहे नवाजे ये लिखा है। दसवां वाले का, दसवां वाले का 10वां वाला है, तुम रुक जाओ या चले जाओ, यार तुम रुक जाओ या चले जाओ। रोएंगे, मुझे ऐड कौन कह रहा है, कौन कर रोए कौन है, रोए ले जी। रोए में अब तो भेजी है वो, अब कर लिया मैंने ऐड, टीचर ग्यारहवा बताए, टीचर 11 बताइएगा। टीचर बताती हूँ। मेरे बताए, वो बातें बहुत करता है लेकिन काम बहुत कम करता है। 11वां, वो बातें तो बहुत करता है लेकिन, मगर लेकिन काम बहुत टीचर कम करता लेकिन तो आगे पहले वाले में बस है। तो रिपीट बात सुने, होगा क्या, रिपीट होगा जहाँ शूट करेगा वहां मिस रिपीट होगा। अच्छा मिस पेज नंबर बता दे, असल में मेरा लैपटॉप में मीटिंग खराब, सेवेंटी लैपटॉप काम नहीं कर फाइव रहा है, मोबाइल में लेना शुरू कर दो, सही वो नहीं करवा सकते तो फिर। 11वें नंबर पे बता रहे, वो बातें तो बहुत करता है लेकिन काम बहुत कम करता है। टीचर तो इसको तुम चले जाओ क्योंकि वो आ गए, आगा तुम चले बेटा वो जाओ, आएगा, तुम चले जाओगे जब तो वो वो आएगा, आएगा टीचर बेटा जब तो बता दे, तुम चले जाओगे जब तो वो तो वो आएगा। आएगा हाँ टीचर। 7 13 वाले का बारवा लिख लिया, जब तो टीचर जी 10 को 10 का टीचर 13 वाले बताएगा, वो दुरुस्त नहीं। रोहिम पूछ रहे 10 का, रोहिम 10 में है या टीचर 30 वाले का बताएगा, 13 वाले का वो 13 दोस्त नहीं, वाले वो दुरुस्त नहीं। जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ 13वां है वो दुरुस्त नहीं, जो जो कुछ तुमने देखा। चोर भाग गया सिपाही, चोर भाग गया लेकिन जूही सिपाही सिपाही मत पहुंचा, पनचा, चोर भाग गया जूही सिपाही पहुंचा, जूही जूही जूरी,
आखिरी वाले का नदीम नदीम है नदीम ज़हीन है लेकिन मेहनत नहीं करता मगर नहीं करता मगर मेहनत नहीं करता लेकिन मेहनत नहीं करता लेकिन और मगर दोनों ही चल सकते हैं यहाँ पे लेकिन भी आ सकता है मगर भी आ सकता है कोई भी लगा ले नदीम नहीं है लेकिन सही है अब आप लोगों का ये पेज कंप्लीट हुआ अब नंबर टीचर अब कौन सा करना लाना है पेज नंबर 68 वो बेहतरीन पड़ोसी हाँ। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और 13 क्या है 13 आखिरी ये जो अभी करवाया उसका 13 जी 14 एक मिनट मैंने पेज बंद कर दिया मैं खोल के दोबारा बताती हूँ आपको 13 है उसका जो कुछ हम रीड करेंगे पेज नंबर 68 चले लिसन मैं हम रीड करें मैं कर रही हूँ सुन ले सब लोग ठीक है सब लोग सुन ले बेहतरीन पड़ोसी ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क और अच्छा दोस्त है कई मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की है ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है उसका पुराना नाम पारस गलत लिखा है ये फारस है फारस फेस है सफा नंबर ठीक है पेस है पेस से नहीं है क्या आप लोग कैसे फोन नंबर पेस से नहीं है ये अच्छा पुराना अच्छा ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क और अच्छा दोस्त है जिसने वहीं से पढ़े ना पुराना पाकिस्तान की मदद की है आगे करें टीचर बताएं पुराना नाम फारस है जिसे अरबी में पारस कहते हैं हाँ फेस आएगा ठीक है फेस पेज नंबर अच्छा पेज नंबर सर पेज नंबर 68 ठीक है हाँ जिसे अरबी जबान में फारस कहा जाता है अच्छा पारस ही अरबी में फारस कहते हैं उसे सही लफ्ज ईरान के मायने है आर्याओं की जमीन ईरान की सरकारी और कौमी जबान फारसी है यहाँ का सिक्का यानी करेंसी ईरानी रियाल है ईरान की सरहदें पाकिस्तान के अलावा एवरीबॉडी प्लीज ऑफ योर माइक्स बिकॉज़ देयर इज सो मच नॉइज यू अब्दुल रहमान एंड शबेस प्लीज म्यूट योर माइक्स ईरान की सरकारी और कौमी जबान फारसी है यहाँ का सिक्का यानी करेंसी ईरानी रियाल है ईरान की सरहदें पाकिस्तान के अलावा आर्मेनिया अज़रबैजान तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान तुर्की और इराक से मिलती है ईरान की तहजीब टीचर रियाल तो सऊदीया की करेंसी है ना रियाल हाँ ईरान की तहजीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है और धर्म और भी धर्म दुबई खुसरो परवेज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने का दावतनामा भेजा था लेकिन उसने इस्लाम कबूल न कर किया 635 से 644 के अरसे में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सिपा सालारों ने पूरा ईरान फतह कर लिया उस वक्त वहाँ फारसी मजहब राइज था जिसमें आपकी परस्तिश की जाती थी मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर
अहले फारस ने धीरे धीरे इस्लाम कबूल किया। तेहरान इस्लामी जमहूरिया ईरान का दारुलहुकूमत है। ये मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा आवाज कट रही है और दुनिया में 16वां बड़ा शहर है। ये शहर कालीनों की फरोख का अहम तरीन मरकज है। इस्फहान भी ईरान का एक बड़ा शहर है। इस शहर में इस्लामी तर्ज तामीर के बेशुमार नमूने मिलते हैं। अपने उरूज के दौर में उसे इस्फहान नस्व जहां कहा जाता था। फारसी के मशहूर शायर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज शिराजी का ताल्लुक भी ईरान के शहर शिराज से था। अच्छा अभी ब्रीद करें। आ गई है वो तो ना रीड करें। अभी रुक जाओ, रीड नहीं करना है इसको अभी ना। मैं आप लोगों को जरा सा आपकी अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद जो है मैं इसका काम करवाती हूँ, क्योंकि अगर क्लास खत्म हो जाएगी ये ना हो गया अटेंडेंस ना हो सके और सबकी एब्सेंट लगानी पड़ जाए। ठीक है, तो मैं जरा अटेंडेंस लगा देती हूँ, उसके बाद में आपको इसका काम करवा दूंगी। टीचर कितने टाइम लबीका इज प्रेजेंट, अली अहमद इज प्रेजेंट। पहली दफा अली अहमद जो है ना क्लास में इश्काद एब्सेंट। टीचर मैं प्रेजेंट हूँ। हू हमें लगा दी प्रेजेंट। अलीशा आजम इज प्रेजेंट और एब्सेंट, नो शी इज नॉट प्रेजेंट। कभी कभी आती है और थोड़ी देर में ही गायब हो जाती है। तो अब्दुर्रहमान इज प्रेजेंट। टीचर मैं प्रेजेंट हूँ। अदीजा बिनते मंसूर प्रेजेंट। यस यस। अनीशा सैफ इज आल्सो एब्सेंट एंड मोहम्मद अफ़ान इज आल्सो एब्सेंट। फरहान कहीं से क्लास में नहीं आ रहे, क्या वजह है? अदीजा फातिमा इज प्रेजेंट। आशा खान एब्सेंट। रीजा फातिमा। हारिस एब्सेंट। दुआ शरीफ एब्सेंट। मोहम्मद शबेज प्रेजेंट। हमीदा एब्सेंट। कोहिन प्रेजेंट। मोहम्मद रियान प्रेजेंट एंड अब्दुल अहद इज आल्सो। अब्दुल अहद थे तो सही, फिर चले गए वो। आई एम लीविंग। गलत बात की उन्होंने, आते जाते रहते मैम। टीचर कैन वी लीव? ठीक है, अब मार्क लगाएं। कैन वी लीव? व्हाई लीव? अभी तो क्लास बाकी है, अभी तो टाइम है आपके पास। कितने? 5 मिनट्स। टीचर आई एम आल्सो प्रेजेंट। फर्स्ट का आंसर इराक, थर्ड लाइन में ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। हाँ, अब ये जो है ना आप लोगों को मैं लगवा रही हूँ, उसी के मार्क करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी तक पढ़ के आपको सुनाई है ना। अब आप देखें ईरान का टीचर पांचवी लाइन में दूसरे का है। अब्दुर्रहमान ईरान का नाम क्या है? उसमें कह रहा हूँ ये ईरान का पूरा नाम क्या है? ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। सही बात। एवरीबॉडी मार्क कर, पहले का आंसर है तीसरी लाइन है पेज नंबर 16 पर। ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। सब लोग मार्क कर ले। और टीचर ईरान से क्या लव ईरान के ईरान के बारे में टीचर 5 पे जमीन पहले मार्क कर ले, उसके बाद टीचर 4 लाइन पे। हां ईरान का टीचर तीसरे वाले का नाम इस्लामी जमहूरिया। अच्छा दूसरा सवाल है लव ईरान के क्या मायने? चलो आप अरबी का आप बताएं लव ईरान के क्या मायने? लव ईरान के मायने है अय्याओं की जमीन। टीचर 4 लाइन में मार्क कर ले आप लोग पेज नंबर 68 पे। और ने पे 68 पे ये जो है फिफ्थ लाइन है। फिफ्थ लाइन लव्स ईरान के मायने है आर्यों की। टीचर थर्ड का मैं बताऊं? हां थर्ड का आप बताएं। ईरान की सरहद किन ममालिक से मिलती है? टीचर मैं बताता हूं, ईरान की सरहद सातवीं लाइन में पाकिस्तान आर्मेनिया अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान।
शमरेश को बताने दे जी, शमरेश को बताने दे आंसर। शमरेश जल्दी बताएं। टीचर सेवन लाइन में ईरान की सरहदी पाकिस्तान के अलावा आर्मेनिया अजरबैजान, ये क्या लिखा टीचर? अजरबैजान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से मिलती है। ये मैं पेज नंबर 68 पे एक तफहीम है बेहतरीन पड़ोसी, उसकी मैंने अभी रीडिंग की थी। अब रीडिंग करने के बाद मैं उसका काम मार्क करवा दूंगी। तो अभी मैंने दो तो क्वेश्चन मार्क करवा दिए, ये तीसरा अब है कि ईरान की सरहद है जो शमरेज ने जिसका आंसर बताया है सेवन लाइन से इसका आंसर शुरू होगा। पेज नंबर 68 के सेवन लाइन तक ईरान से लेके, ईरान की सरहद है पाकिस्तान के अलावा यहाँ से लेके यहाँ और इराक से मिलती है तक। ईरान की सरहद है। अच्छा फिर पहला वाला कर लिया। हाँ, ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरी है। ईरान दो तीन आपके थे नहीं क्या उस्मान क्लास में जब मैंने निशान लगवाया था? नहीं दीदी, मैं वॉशरूम गया था। बेटा बाद में चले जाया करें या होकर फ्री होकर बैठा करें, इस तरह आप मिस हो जाता है ना काम, फिर बीच में आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये क्या था और वो क्या था। अच्छा तो पहला वाला सुने आप, ईरान का पूरा नाम क्या है सुन ले, उस बार मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली, आप सुन ले। इसका जवाब है पेज नंबर 68, ठीक है? और पेज नंबर 68 जो है उसकी थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में देखिए ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। गॉट इट उस्मान? यस जी। ओके, दूसरा था लव ईरान के क्या मायने हैं, दूसरा सवाल। इसका जवाब है फिफ्थ लाइन है उस्मान, फिफ्थ लाइन बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट होता है, लव ईरान के मायने है आर्याओं की जमीन। लगा लिया? Yes, teacher. अच्छा थर्ड था, थर्ड का लगाया कि नहीं? थर्ड का नहीं लगाया। अच्छा थर्ड का सुने, ईरान की सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं? इसका जवाब है पेज नंबर 68 पे और सातवीं लाइन, सेवन लाइन। अब बोले क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान के अलावा, ठीक है ठीक है, आपने सही समझा है, ईरान की सरहदों से लेके और इराक से मिलती है तब, ठीक है। अब फोर्थ हम लगा रहे थे कि ईरान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है और उसकी खास बात क्या। थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन यानी कि लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। तेहरान इस्लामी, तेहरान इस्लामी जमहूरिया ईरान का दारुल हुकूमत है। ये मशरिक़ सत्ता का सबसे बड़ा और दुनिया में सोलहवां बड़ा शहर है। ये शहर का काली फरोख का अहम तरीन मरकज है। बस ईरान का एक बड़ा स्टॉप। नाउ लिसन, दो सवाल है, एक सवाल नंबर 4 में ईरान का दारुल हुकूमत कौन सा